एक बात कहूं आपसे, अगर कोई रो रहा है तो उसे चुपचाप रोने दो, उसका दर्द जल्दी से चला जाता है। रोते हुए आदमी को अगर आपने पूछ लिया कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उसके आंसुओं की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही पूछा तुम क्यों रो रही हो, तो जोर से रोने लगे, जोर से रोने। नारद जी ने समझाया, बहुत समझाया, रोते जा रहे, रोते जा रहे। आप जितना भी समझाओ उसको, उतनी यादें आती हैं अंदर से रोने की, भावनाएं उठती हैं, उलियां उठती हैं, हिलोरे उठती हैं, रोता जाता है। हाँ? हमारे घर में कोई मौत हो जाती है तो हम थोड़ी देर रो धो के सो जाते हैं, पर हम शांति से पानी वानी पी के बैठे हूं और अचानक हमारे घर की मौत वाले के सुन के कोई आ जाए और उस आदमी को आने के बाद में हमें फिर से रोना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुख पूछने आया है, और जब हमारा कोई दुख पूछने आता है उस समय हमें दुख का आंसू नहीं आता है, उस समय हमें आनंद का आंसू आता है, भावना का आंसू आता है। इस दुनिया में हमारा भी कोई है ऐसा मन विश्वास करता है तो अंदर से हिलोरे उठती है रोने की। अपना भी कोई है, इस औरत को आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि तू क्यों रोती है, तू क्यों दुखी है, आज पूछा तो रोती जा रही है। करुणा बढ़ गई, पीड़ा बढ़ गई। क्यों? आज संत आया है। देखिए, संत के सामने एक बार आंसू निकल जाए, आपके गुरु के आगे आप रो जाइए, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका कम से कम 70% दुख 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्यों? आप रोएंगे तो गुरु बिल्कुल बराबर ठिकाने पे पहुंचेगा कि इस आदमी को रोना क्यों आया है। तो गुरु अंदर से पूरा का पूरा तुम्हारा होके तुम्हें पूछेगा तुम क्यों रो रहे हो। दुख को छुपा कर मत बैठे, दुख को बाहर जाइए, छोड़ दीजिए उसे। और दुख को बाहर निकालने का सबसे बढ़िया विज्ञान है आंखें, आंसू। आंसुओं से दुख जल्दी निकल जाता है। जो लोग दुखी रहते हैं रोते नहीं हैं, लंबे समय तक दुख उन्हें सताता रहता है, लंबे समय तक चिंता उन्हें सताती रहती है। इसीलिए मृत्यु के बाद में रोने का धर्म बताया है, मृत्यु के बाद में 12 दिन लगातार रो, जिससे कि जल्दी से दुख निकल जाए और मरने वाले की यादें निकल जाए, यादें, क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये सो किस लिए है? हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी विधान बनाया है, पुराण बनाया है, उसके अंदर बहुत बड़ा विज्ञान बनाया है। ये 12वां 13वां क्या है? ये देखने में पाखंड है, पर इसका जो साइंस है ये बहुत उचित और उचित है। अगर आप किसी गहरे सदमे में चले गए हैं और रोए नहीं हैं, तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, आदमी कोमा में, यानी उसकी बुद्धि नष्ट हो सकती है, मस्तिष्क फेल हो सकता है। इसीलिए दुख आने पर थोड़ा सा आंसू बहाना ही चाहिए, जिससे कि आदमी मस्तिष्क से विचारों से रिलैक्स हो जाता है। रोए, नारद जी ने चुप किया, ज्यादा रोई, ज्यादा रोई। क्यों? कोई पवित्र व्यक्ति आ जाए दुखी आदमी के पास में तो वो दिल भर के रोता है, क्योंकि दुर्जन के सामने रोना तो पशु के आगे बैंड बजाना जैसा है। दुष्ट के सामने रोने से कोई फायदा? अच्छा बताइए, जब हमारे घर में रात में चोर घुसाते हैं डकैती डालने के लिए, तो घर वाले रोते कि नहीं रोते, बताओ ना। हाँ, अरे भाई, आधी रात्रि में जब हमारे दीवार फोड़ के कोई चोर घुसता है तो फिर हम बहुत रोते, पैर पकड़ते, कुछ भी करते, पर वो दुर्जन कुछ भी सुनने को तैयार? हाँ, इसलिए आंसू भी सज्जन के आगे बहाओ, साधु के आगे बहाओ। हाँ, जहां पर सज्जनता है, जहां आंसू की कीमत है, वहां आंसू भाई। रोना तो है उसी का, रोना तो है उसी का, प्रभु के लिए जो रोना, रो रो के प्यारे बंदे ना यूं ही भक्त खोना। बांके बिहारी के मंदिर में जाओ तो
वहां पर करुणा के आंसू निकलना चाहिए, वहां जाकर के करुणा बहाइए। क्यों? करुणा करके जाओगे तो करुणा कर जिसका नाम दयालु है, करुणा कर है वो ईश्वर है, है? जिसके पास करुणा है, जिसके पास आंसू है, आंसू की कीमत वही जानता है जो आंसू बहाता है। जिसे आंसू कभी नहीं आता वो आंसू की कीमत नहीं जानता। आंसू कौन बहाता है? आंसू उस बांके बिहारी को देखो, सुधामा की आंखों में गरीबी का आंसू देखा तो दोनों आंखों से गंगा बहने लगी है कृष्ण की। जिनके पास करुणा है, दया है, क्षमा है, शीलता है, रोना है उनके आगे रोइए, जाइए उनके आगे करुणा करिए, तरस करिए, दुर्जन के सामने मत रोइए। क्यों? ये संसार तो दुर्जनता से भरा हुआ है। जीजा मामा काका फूफा चाचा के सामने कितना भी रो लो पर वो तुम्हारी कोई सुन के लेने वाला नहीं है। बात हिस्से की आई, बंटवारे की आई तो बराबर कोर्ट कचहरी कर लेगा पर सुन के लेने वाला नहीं है, चाहे भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो। जब से ये संन्यास जीवन आया है ना, तब से दुनिया भर के बाप बेटों को मैंने देख लिया, कोर्ट कचहरी में दोनों जाते साथ में, बाप भी जा रहा है बेटा भी। कोर्ट कचहरी पड़ोसी का नहीं, बाप और बेटे का ही कोर्ट कचहरी है। लाखों भाइयों को देख लिया मैंने अपने इस जीवन में, लाखों भाइयों को। क्यों? अभी समाज ने छोटा सा कलेक्टर मुझे भी मान लिया है फैसला करने के लिए। लोग अपने दुख दर्द का फैसला मेरे सामने भी लाते हैं, लाखों लोग गुरु मान बैठे हैं, इसलिए घर के जिम्मेदारियां फैसले भी मुझे देते रहते हैं। इसलिए मुझे समझ में आया है लाखों भाई कोर्ट लड़ रहे, केस लड़ रहे आपस में। धन्य है नारद, अपने पिता की सेवा के लिए नारद ने घर संसार छोड़कर तीर्थ जंगल जंगल गली गली वृंदावन आकर आज अन्नतम सेवा में है। जिसने दूसरों की सेवा करने का नियम लिया है वो घर में भी सेवा करेगा और बाहर भी सेवा करेगा। आज नारद परमार्थ में लग गए। और धर्म क्या कहता है? धर्म ये कहता है कि सबसे पहले जो तुम्हारा संबंधी नहीं है उसकी सेवा के लिए 24 घंटे खड़े रहो, वह परमार्थ कहलाता है। जिसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है अगर तुम उसकी सेवा करोगे तो वो परमार्थ कहलाएगा, वो परमार्थ। और वह तुम्हारे जीवन का एक्स्ट्रा कर्म है, एक्स्ट्रा बैलेंस कर्म है, विशेष कर्म है। और अपने संबंधियों का तुम सेवा करते हो वो एक्स्ट्रा कर्म नहीं, वो परमार्थ नहीं, वो तो तुम्हारा निजी धर्म है, वो तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। नारद जी ने पूछा कौन हो, क्यों रो रही हो? तो रोते रोते कहा क्यों न रो, मैं माँ हूं, माँ। और माँ का सहारा, माँ का सहारा कौन होता है? बेटा, पुत्र, पुत्र। देखिए परसों मैंने वृंदावन की एक ये सामने के मार्ग में एक ऐसे आदमी को देखा कि उसकी दो चीज मर गई, दो चीज मर गई उसकी। और उस आदमी की वो दो चीज मर गई उसकी वजह से न जाने वो कब से तो नहाया नहीं था, न जाने उसने कभी से मलमूत्र साफ नहीं किया था, न जाने उसने कब से बाल नहीं धोए थे, न जाने कब से उसने खाना नहीं खाया होगा, न जाने उसने कोलगेट कब से नहीं किया होगा। उसकी दो चीज मर गई थी मैंने देखा, और यही दो चीज इस औरत की मर गई है, उसकी वजह से वो रो रही है। क्या मर गई है? हमारे वृंदावन वासी बहुत कथा सुनते हैं, इनको तो बराबर पता होगा क्या मर गया है। जिस व्यक्ति की दो चीज चली जाती है वो आदमी दरिद्र हो जाता है। क्या हो जाता है? दरिद्र। और मनुष्य की योनि में जन्म लेकर कोई दरिद्र हो जाए ना तो उससे अच्छा तो यह है कि वो सुअर बन जाए, गधा बन जाए, कोई तकलीफ नहीं। मनुष्य की जाति में आके दरिद्र बन गए तो पशु से भी 72 जीवन हो जाता है, हमें पशु की गिनती में भी कोई गिनता नहीं। फिर जो बोलता है वो यही बोलता है कि पशु से भी बुरी जिंदगी जी रहा है, पशु से भी बुरी जिंदगी जी रहा है। क्यों? दो चीज नष्ट हो गई उसकी। और उन दोनों चीजों का नाम भागवत में क्या है? वेद ज्ञान सुधा रसम रसाभूतो न प्रवर्तितम
जाद भूतो न योगिनाम बुद्धि पुत्र समेरण। भागवत में बुद्धि को मां का दर्जा गया। बुद्धि, बुद्धि माने मां, बुद्धि माने मां जो निर्माण करती है, मां निर्माण करती है तो बुद्धि हमारा निर्माण करती है, अच्छाई का बुराई का संस्कार का कुसंस्कार का दुर्चरित्रता का चरित्रता का निर्माण बुद्धि। और बुद्धि के दो पुत्र बताए भागवत में, एक पुत्र है ज्ञान और दूसरा है विवेक।